हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कोकोनट से डबल कलर बर्फी। ये बिना किसी झंझट के, बिना गैस जलाए, बहुत कम सामान के साथ आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। हमारे बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, कोकोनट की डबल कलर बर्फी। कोकोनट की डबल कलर बर्फी बनाने के लिए ये मैंने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है, ये देखिए जो पाउडर जैसा ही होता है। 1/2 कप मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ, अगर जरूरत लगेगी तो बाद में और डालेंगे। कंडेंस्ड मिल्क मार्केट में आराम से मिल जाता है और घर पर भी इसको बहुत ही आराम से बनाया जा सकता है। मैंने भी इसका वीडियो अपने चैनल पे दिया है, अगर आप घर में बनाना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दो टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क मैं इसमें और डालूंगी। अब ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी का हमें कोकोनट चाहिए। अब इसमें से 1/2 मिक्सचर अलग कर दूंगी। अब इसको सेट करने के लिए बर्फी की ट्रे तैयार करूंगी। ये देखिए, ये मेरे पास बर्फी सेट करने की ट्रे है। अगर आपके पास इस तरह की नहीं है तो आप किसी भी थाली में या प्लेट में इसको बना सकते हैं। इसको मैंने ये क्लियर फॉइल लगा ली है जिससे हमें बर्फी निकालने में आसानी होगी। इसको देसी घी से ग्रीस कर रही हूँ। अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसको इसमें सेट कर दूंगी। पूरी ट्रे में फैलाना जरूरी नहीं है, जितना मोटा साइज का इसको आप बनाना चाहें उतने में फैला लें, लेकिन अच्छी तरह से दबा दबा के मिक्सचर को सेट करें। सब तरफ मोटाई एक बराबर हो ये कोशिश करें। ये देखिए, अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। अब आगे की तैयारी करूंगी। ये जो आधा मिक्सचर अलग किया था अब इसको रेडी करूंगी। 2-3 ड्रॉप मैं इसमें रोज एसेंस की डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने रोज सिरप लिया है और ये मैंने 1 पिंच रेड फूड कलर लिया है। रोज सिरप में ही इसको मिला लूंगी जिससे हमें मिक्सचर में मिलाने में आसानी होगी। अगर आपके पास लिक्विड में है फूड कलर तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको पिंक कलर ज़्यादा डार्क चाहिए तो फूड कलर उसी हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमारा ये मिक्सचर भी तैयार है। अब इसको जो हमने पहले वाइट वाला सेट किया था उसके ऊपर ही इसको सेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके पूरे के ऊपर रख देंगे। पूरा मिक्सचर आ गया है, अब इसको दबा दबा के एकदम स्मूथ सेट कर देंगे। अब इसको थोड़ा गार्निश करेंगे। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, थोड़ा थोड़ा मैं इसके ऊपर ये डाल रही हूँ। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए बादाम डाल रही हूँ। थोड़े से इसके ऊपर बारीक चॉप किए हुए पिस्ते डाल रही हूँ। इनको हल्के हल्के प्रेस कर देंगे। ये मेरे पास ड्राई रोज पेटल्स हैं, ये भी मैं थोड़ी सी इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए, कितनी आसानी से हमारी बर्फी बन गई। अब इसको मैं 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूंगी। बर्फी को फ्रिज में रख के 1/2 घंटा हो गया है, अब मैंने निकाल लिया। अब इसको अनमोल्ड करूंगी। अगर आपके पास क्लियर फॉइल नहीं है तो आप बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बर्फी सेट हुई है। अब इसके पीसेस कट करूंगी। ये देखिए, कितनी अच्छी बर्फी सेट हुई है। आप इसको अपनी पसंद के किसी भी कलर में बना सकते हैं। लीजिए, बनके तैयार है हमारी बहुत ही आसान टेस्टी कोकोनट की डबल कलर बर्फी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा
इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।